पता, मेरा हाथ देख के बता दें शादी कब होगी भाई जान। आपकी शादी जो होगी ना, आप जाएंगे किसी और की शादी में और दूल्हा भागेगा, तुम्हें बिठाएंगे समझे ना। तो तुम पली पलाई जाओगे, सारा सेटअप हुआ हुआ होगा, जाओगे तुम किसी और के चावल खाने और दुल्हन धर ले आओगे। अम्मी हैरान हो जाएंगी, तू गया तो शाहिद भाई की शादी में ना, बोलना दूल्हा भाग गया। ये देख लो, जिकर इतना बड़ा भाई, जिकर इतना बड़ा। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम मेरे जवानों, कैसे हो? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल। अब सीन ये है कि आपके भाई ने प्यारा सा कम बैक कर दिया है और अब व्लॉग्स भी आएंगे और अब वीडियोस इंस्टाग्राम पे भी आती रहेंगी। मैं चाह रहा हूँ तुम लोग थमो नहीं, तुम लोग थम गए हो इंस्टा टिकटॉक के ऊपर, तुम लोगों का रिस्पॉन्स कम हो गया। इंस्टाग्राम के ऊपर 22,000 की आर्मी, टिकटॉक के ऊपर कोई 1,00,000 कुछ हजार की आर्मी, ये बनाने के बाद तुम लोग काफी स्लो हो गए हो भाई। स्लो नहीं होना है, हमने बहुत आगे जाना है, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें दिखानी है, बहुत सारे तौर तरीके हैं जो तुम्हें बताने हैं जिंदगी गुजारने के कि किस तरह बाआसानी मुतमईन होके डिप्रेशन को फेस करना चाहिए, जैसे अभी तुम्हारा भाई रिसेंटली फेस करके आया है और वो कैसे करके आया है और कर रहा है, ये सब तुम्हें इसी व्लॉग में थोड़ा सा बता देता हूँ। वेल, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ, क्योंकि सीन ये है कि बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे थे कि शुएब भाई अपना इंट्रोडक्शन तो कराएं, हमने सिर्फ आपकी वो वीडियोस देख रखी हैं और हम आपको मजीद जानते नहीं हैं। तो माय सेल्फ शुएब अहमद और मैं 5-6 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ। पहले मैं म्यूजिक करता था, फिर मैं इंटरव्यूज करने लगा, फिर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की और फिर मैंने प्रैंक्स भी किए, मैंने शॉर्ट फिल्म्स भी की, मैंने बहुत कुछ किया और अब फाइनली इस वक्त मैं, जब से तुम लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़े हो, मेरे साथ चलने लगे। चाचा कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, जब से तुम लोग मेरे साथ चलने लगे हो तो मुझे मजा आने लगा है और अब मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ एक चैनल पे जिसका नाम है द फनजिला। मेरी पॉडकास्ट देखने के लिए तुम लोग द फनजिला पे आ जाओ और व्लॉग्स देखने के लिए इसी चैनल पे रहो और सब्सक्राइब कर लो। अब थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ाते हैं और मैं एक पूरी इंट्रोडक्शन की वीडियो बना के तुम लोगों को दे दूंगा। अब हम चलते हैं, आज का क्या प्लान है? आज सीन ये कि अभी पार्क के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पर वीडियो बनाने आया था इंस्टाग्राम के लिए जो कि बना लिए और अब वो आहिस्ता आहिस्ता कट 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 के तुम लोगों तक वो रील्स पहुंच जाएंगी। और बाकी आज का सीन ये कि हमारे पॉडकास्ट पे कौन गेस्ट रहे हैं, एक गेस्ट ये आ रहे हैं अदनान बिकॉज, दूसरे आ रहे हैं हमारे पास अली और तीसरी हमारी एक फ्रेंड आ रही है। तो आज के दिन में कितनी पॉडकास्ट है? दो है, तीन भी हो सकती है। हेक्टिक होने वाला दिन। इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 7:30 और ये बच्चा, यार थैंक यू यार, इसने हमारा, ये यहाँ बैठा हुआ था इसी तरह मैं यहाँ से आया, इसका एक दोस्त यहाँ खड़ा होकर इसके साइड पोज की पिक्चर ले रहा था और मैंने इसको कहा ब्रो मैं तुम्हारी पिक्चर क्लिक कर देता हूँ। मैंने इसकी पिक्चर क्लिक की, इस बेचारे को क्या पता था कि इसको आधा घंटा मैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए मोबाइल पकड़ा के खड़ा कर दूंगा। थैंक यू यार, क्लिप किया गरीब का और एक घंटा ले। थैंक यू यार, जवान आदमी जवान, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो अब सीन ये फटाफट चलते हैं ऑफिस जाके मेरे मोबाइल का, चूंकि स्टोरेज कम है, गरीब इन्फ्लुएंसर हूँ ना, अभी 512 या 1 TB वाला iPhone 15 Pro Max नहीं लिया, अभी 256 GB iPhone XS Max से तुम्हारे लिए व्लॉग्स बना रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। अभी चलते हैं फटाफट से डाटा PC में करते हैं ट्रांसफर और उसके बाद निकलना है, हमें जाना है अभी घड़ी की, मेरी एक पेन टूटी हुई है वो लगवानी है, उसके बाद जाना है कपड़े प्रेस कराने पॉडकास्ट के लिए, जो ड्रेस पहनना है वो प्रेस करवाते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं स्टूडियो। तो अब मैं तुम लोगों से स्टूडियो जाकर ही मिलूंगा, तब तक ये इंट्रो देख लो तुम लोग। तो यार ऑफिस आ गए, सिस्टम ऑन कर दिया है और अभी बस डाटा ट्रांसफर करते हैं और फिर फटाफट से निकलते हैं। पानी नहीं है ठंडा पीने का, ये भाई साहब को कहा था लेकर आओ, ये भूल जाते हैं। भाई क्यों भूलते हो? देखो अब प्यास भी लगी हुई है, गर्म पानी से काम चलाओ, मैं भी गर्म ही पीता हूँ और फटाफट से पहले PC ऑन हो जाए। ऑन होता है तो वो डाटा ट्रांसफर करते हैं और फिर निकलते हैं आगे। जब तक PC ऑन हो रहा है कपड़े, ये देखो तुम्हारा भाई अम्मा अगर आप देख रही हैं तो आप देख लें आपका बच्चा कितना ख्याल करता है इन चीजों का। अपने कपड़े मैं पहले ही निकाल के रख गया था, आज ये वाली शर्ट पहनेंगे और ये ब्लैक पैंट पहनेंगे और बेल्ट भी आ गया, ठीक है। और क्या निकालना था मुझे, कपड़े निकाल लिए यार, फिर तो मुझे भाईजान 2-3 शर्टें रखनी पड़ेंगी ना साथ, तो एक थोड़ी पॉडकास्ट है ना, एक शर्ट और निकालते हैं। अब मुझे वो पास करते हो, वो बैग मेरा, वो पास करो जरा, एक शर्ट और निकालते हैं और उसके बाद फिर, क्योंकि ये कपड़े देने हैं भाई प्रेस करवाने हैं यार, अब यहाँ पे अम्मी तो है नहीं ना जिनको सीख के कह दूंगा अम्मा
कपड़ा प्रेस कर दो, यहाँ पे जाना पड़ेगा और बाहर से करवाने पड़ेंगे। तो फटाफट से भाई खुल जा शर्ट, एक दूसरी ये पहन लेते हैं, ये अच्छी है ना, ये सही है ना, ये सही है। तो एक ये डन करो और एक वो पैंट, एक टी शर्ट, टी शर्ट के लिए जो ग्रीन वाली पहनी हुई है यही एहतियातन रख लेते हैं, यही पहन लूंगा। चलो फिर बैग बैग पैक मारे दोबारा, पैंट तो एक ही चलेगी, मैं कच्चा भी पहन के बैठ दूंगा पॉडकास्ट में, नजर नहीं आता। चलो सिस्टम ऑन हो गया, फटाफट से डाटा ट्रांसफर करते हैं और फिर निकलते हैं। अच्छा यार डाटा वाटा ट्रांसफर हो चुका है, पहले पंखा बंद कर लूँ वरना तुम लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आएगी। बोर्ड के बटन्स करेंगे हम बंद, हम पहनेंगे चप्पल, उठाएंगे कपड़े, बैग कहाँ है, कपड़े उठाएंगे पहले हम ऐसे रखेंगे, फिर हम बैग उठाएंगे, बेल्ट तेरी ऐसी की तैसी इधर। अच्छा और क्या रहता है, शॉपर, शॉपर की ज़रूरत है भाई, है शॉपर की ज़रूरत है। जुबैर भाई बाहर चले गए यार, एक हेल्प कराओ ना, ये शॉपर पकड़ो जरा, कपड़े इसमें पूछने आज, ये शॉपर मुझे छोटा लग रहा है। पूछो पूछो इसमें, चलो कपड़े डल गए, बेल्ट में अपने बैग में डाल लेता हूँ, अभी गिरता मैं। जो जल्दबाजियाँ है ना मेरी, अल्लाह मेरी जल्दबाजियाँ ख़त्म कर दे मालिक। खुल जा भाई, चलो बैग में डालेंगे हम बेल्ट, बैग को करेंगे हम सिप और हम इसको उठाएंगे। दूसरा फोन उठा, ओए इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ जिसके बगैर गुजारा नहीं, वो भी उठा ली, एसी बंद है, लाइट ऑन रहने देंगे और फटाफट से इसको बंद करेंगे। चाबी ऑफिस की मेरे पास है, आपके पास है, बस चलो सही है। ताला लगाना ना, कुंडी लगा, लगा दिया। कुंडी भी तो लगानी है वाली, ताला खोलो ना एक मिनट, ये कुंडी लगेगी, बड़ा गेट खुलेगा, अब हम बाहर आएंगे, अब कुंडी लगेगी और अब ताला लगेगा। हम कुछ भूले तो नहीं, मैं तो कुछ नहीं भूला, दो शर्टें, एक पैंट, बेल्ट, फेस वॉश, हालू आप खड़े हो, मैं एक मिनट में आपके लेके आया, ये चलो भाई। गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है जवानों। चलो अब मैं सीधा तुम्हें वहीं चल के मिलता हूँ जहाँ पर हम लोग अभी कुछ थोड़ा बहुत खाना करेंगे, कुछ ठंडा पियेंगे ताकि जिस्म में जान आए, और उसके बाद फिर घड़ी बनवाते हैं और घड़ी बनवा के शर्ट प्रेस करवाते हैं और शर्ट प्रेस करवा के फिर हम तुम्हें स्टूडियो में मिलते हैं। अच्छा तो भाई अभी आए हैं एटीएम, क्योंकि अच्छा मैं तुम लोगों को साथ साथ ही बता दूं कि अभी 5 काम पेंडिंग है, एक घड़ी ठीक करवानी है, कपड़े प्रेस करवाने हैं, कुछ खाना पीना है, बाल बनवाने हैं और 5वां काम क्या, वे पिन दिखा रहा था बचत हो गई। अच्छा बस ये 5 काम शाम करके निपटाते हैं और फटाफट से पहले कैश निकालते हैं और फिर उसके बाद आज का व्लॉग बहुत ज्यादा मजेदार होगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आज मेरी एनर्जी अच्छी है और मैं काम करता रहूं तो मैं वैसे ही बड़ा खुश रहता हूं। चल भाई जल्दी दे दे, जल्दी ब्रो जल्दी, फास्ट मैन आजा, स्लो आ। अच्छा तो यार पहला काम था कुछ खाने पीने जा रहे थे, बट फिर सोचा कि अगर रूट ये बन रहा है तो पहले घड़ी ठीक करवा लें। अब मैं जरा घड़ी निकाल लूं बैग में से, कसम से जो बैग उठा के घूमना पड़ता है ना ये चीज़ बड़ी अजाब लगती है मुझे भैया। ये लो मैं आपको बताता हूँ कैसे पिन लगानी है, कौन सी है, बल्कि आप खोलोगे आपको पता चल जाएगा। अच्छा तो अभी पेंशन लगवाते हैं और उसके बाद चलते हैं कुछ खाते हैं और ठंडी लस्सी पीने का मूड हो रहा है आज, इसके बाद लस्सी वस्सी पीते हैं और फिर जितने काम है सारे निपटाते हैं और फिर स्टूडियो निकलते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ तो अभी घड़ी बड़ी हो गई है ठीक, अब चलते हैं फटाफट, जुबैर भाई वहाँ पे वेट कर रहे होंगे
निकलते हैं और फिर अब आगे चल के मिलता हूँ तुम्हें। अच्छा तो भाई अगर तुम लोग वाटर पंप आते हो और तुम लोग ये शफीक भाई के अल मशहूर वाटर पंप काठियावाड़ी छोले नहीं खाते हो तो तुम लोग करते हो अपने साथ ज्यादती। क्यों भाई? सही बात है भाई, आप तो बेच रहे हैं, आप तो बोलेंगे, लेकिन बात तो तब है जब हम बोले, और हम तो ऑलरेडी बोल रहे हैं कि ऐसे काठियावाड़ी छोले मेरा ख्याल नहीं है पूरे कराची में कहीं और मिले, मेरे पसंदीदा है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ ये भाई साहब को जबरदस्ती खींच के लाता हूँ कि चलो ये खा कर आए, तो अभी हमारी ये गलत हरकत होती है, ये बगैर पूछ के। हाँ, अकेले खाना गलत होती है। अच्छा, आप भी मेरा क्या खाना? नहीं, नहीं, हम खरीद के खाएंगे अभी। अच्छा भाईजान, ये मसरूफ रहते हैं, ये टाइम बिल्कुल नहीं देते, जैसे सारा दिन बेगम घर के काम में मसरूफ रहती है, हमारे ये भाई भी सारा दिन ऐसे ही मसरूफ रहते हैं। भाई बहुत कड़क है ये, कैसे आप? ठीक है? ठीक है, वो कह रहे हैं मैं ठीक हूँ, आप अपने काम से काम रखें। तो हम अपने काम से काम रखते हुए तुम लोगों को अभी मजेदार सा स्लोमो करके दिखाता हूँ शॉर्ट। यार जरा बनाओ हमारे दो, बड़ा खाओगे छोटा? नॉर्मल वाला है। नॉर्मल कौन सा होता है? अच्छा छोटा, मैं भी छोटा, दो छोटे प्याले बनाऊंगा। अच्छा बड़े भाई, हाँ इनसे मिला हुआ मैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वाला तो खाने का पहला उसूल है कि इसको आपने अच्छी तरह से पूरा मिक्स करना है। इसके लिए अगर तुम लोग सोफिस्टिकेटेड बनने की कोशिश करोगे तो नाकाम हो जाओगे ये खाने में, इसीलिए इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स करो और फिर इसको ऐसे ये खाते हुए मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, तुम लोगों से भी नहीं करूँगा, आके बात करता हूँ। कराची का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको किसी भी टाइम पे कुछ भी खाने पीने का आराम से मिलता है, जैसे कि शाम के टाइम पे लस्सी। ओए होए होए होए, मुंह से हटाने का दिल ही नहीं चाहता, प्यास लगी थी टाइट और अभी से भी प्यास नहीं। आधा ग्लास एक सिप में खींचा है तुमने, गर्मी बहुत टाइट है भाई, बहुत टाइट गर्मी। चलो खा पी के निकलते हैं और फिर बाल बाल बनाते हैं और कपड़े प्रेस करवाते हैं, अभी खाली नहीं हुए यार, अभी तो मंगवाए ग्लास लेने आ गए। चलो खा पी के निकलते हैं, कपड़े शपड़े प्रेस कराते हैं और चलते हैं, बस अभी मुझे इन्जॉय करना है बस। अच्छा तो यार मैं आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आ जाओ बाल बना दो अच्छे से, आ जाओ। मैं सलोन आ गया हूँ और मैंने जुबैर भाई को भेजा है कि वो जाकर ज़रा जो है वो करवा लें, कपड़े प्रेस करवा लें। भाजन कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, ठीक हैं आप? सब अच्छा है, सब यस में से? अस्सलाम वालेकुम एडिटर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? व्लॉग स्टार्ट कर दिए यार, मेरी पब्लिक जो है ना वो छटपट जाती है, मैंने कहा इससे पहले कि ये लोग इधर उधर भटक जाएं, इनको साथ जोड़ के रखने के लिए मैंने कुछ ना कुछ रेगुलर वे में होना चाहिए। बैग को रखते हैं यहाँ पे, यार ए सी नहीं चलाया वाला, बिल ज्यादा आता होगा यकीन। कहाँ पे लोग इंतजार कर रहे हैं? स्टूडियो में। मैं स्टूडियो से होकर आया हूँ, इसीलिए तो बाल बनवाने आया हूँ, बाल बनवाने आज आ रहे हैं हमारे पास अदनान भाई, वो दाढ़ी वाले फनकार चाचा, वो आ रहे हैं, और उनके अलावा अली आ रहा है हमारे पास। अली का फेस देखोगे पहचान जाओगे अली को। हाँ बाल बना दो यार, जानू कहाँ बैठू, दसो ना कितने बैठा बैठना था कुर्सी ते, ये केड़ी कुर्सी ते बैठा है, इधर आ जाओ इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ प्यारे से करके मेरे जरा बाल बनाओ प्यारे से, क्योंकि अब लेंथ लंबी है थोड़ी सी बालों की, अब सही बन जाएंगे, पहले बाल बहुत शॉर्ट थे, सही है? और नहीं नहीं छोटे नहीं करने, कटिंग आज मैं गया था करवाने लेकिन मैंने खुद नहीं करवाई। चलो बाल शाल बनवाता हूँ फिर मिलता हूँ तुम लोगों से। अच्छा तो भाई बाल शाल तो बन गए हैं, लेकिन एक बैड न्यूज ये है कि कपड़े हमारे धोबी ने नहीं लिए हैं प्रेस करने के लिए, ही वाज सेइंग कि वो कहाँ गए दोबारा बाहर गए। खैर अभी आगे दोबारा चलते हैं और देखते हैं कोई और अल्लाह का बंदा ले ले और प्रेस कर दे, वरना टी शर्ट और पॉडकास्ट करना पड़ जाएगा। चलो बैग का रखा था मैंने ये रहा, ये आ गया बैग, ये आ गया सॉपर। ओके भाई, ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ जानू, थैंक यू। कहाँ गए भाई?
हाँ शार्ट हो गए, यहीं पे होना चाहिए। चलो आ जाते हैं। अच्छा तो यार अनफॉर्चुनेटली भाई सीन ये हुआ है कि कपड़े वैसे के वैसे ही आ गए और प्रेस नहीं हुए। अब क्या किया जाए, कोई जुगाड़ लगाते हैं, इस्त्री मंगानी पड़ेगी। अब आयरन मंगवाते हैं और आयरन करते हैं खुद, या फिर जुगाड़ करके शर्ट को थोड़ा सा चुन्नटें ख़त्म करके शर्ट की और फिर उसे पहनते। अरे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ यार, इतनी देर लगा के भी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? कुछ भी नहीं बना, और अभी कैमरे शैमरे लगाते हैं, सेटअप रेडी करते हैं। गेस्ट जो है वो किसी भी वक्त कॉल कर देंगे कि मैं पहुंच गया हूँ, और हमें तब तक रेडी रहना है। चलो यार सेटअप वेटअप करते हैं फटाफट, और शर्ट का कोई जुगाड़ लगाते हैं, और फिर उसके बाद में मिलता हूँ उन लोगों को। सब्र। अच्छा तो यार अभी सीन ये है कि शर्ट जो है हमारे उसामा भाई ने दिए, मैं कैमरा उनकी तरफ नहीं कर रहा क्योंकि पता नहीं वो आना चाहते हैं आप। कैमरा शाह हैं वो, कैमरा शाह हैं। ये शर्ट उसामा भाई ने दिए, उनको थैंक यू सो मच भाईजन, बहुत शुक्रिया आपका। हमारी शर्ट पर प्रेस नहीं हो सकी। गेस्ट नीचे आ चुके हैं, चलते हैं उनको लेकर आते हैं। अदनान भाई को और बाल बाल पता नहीं ख़राब हो गए होंगे, टी शर्ट उतारी है, शर्ट पहनी है, तो बालों का कुछ पता नहीं। चलो भाई कहाँ खड़े हैं अदनान भाई, कॉल कर रहे हैं उनको। सब बंद, पता नहीं यार। कॉल करता हूँ, यहाँ पे कहीं नजर तो नहीं आ रहे हैं मुझे। वो कह रहे हैं कि मोबाइल मार्केट के पास खड़े हैं बाहर। हेलो भैया, कहाँ खड़े हैं? सबवे से आगे आए, आगे हैं, पीछे खड़े हैं यार। हाँ थोड़ा सा आगे आए। अच्छा तो यार अदनान भाई पहुंच गए, लेकिन थोड़ी सी दुश्वारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? बड़ा रश था भाई रोडों के ऊपर, तो यार कराची आज इतवार है। हालांकि इतवार को ही तो निकलती है पब्लिक भाई, इतवार को ही फारिग होती है। इतवार को ऐसा क्या, इतवार को तो आराम नहीं करना चाहिए अदनान भाई। औरतें कहां आराम करने देंगी, वो तो कहती है आज छुट्टी है, आज सारे काम आगे होंगे, घूमना फिरना, आइसक्रीम खाना, खाना खाना, शॉपिंग करना, अम्मी कहते जाना। इतवार को कोई छुट्टी नहीं है, मरती मरती है मरने के बाद छुट्टी। ओए 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 ओए, बस मर्द हैं तो फिर जॉब तो टफ हो गई। आ रहे हैं अदनान भाई, बिस्मिल्लाह। आए सर। वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, सही है सेटअप, बहुत जबरदस्त है भाई। आ जाए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहुंच गए खैरियत से? एसी जो है ना बड़ा अच्छा लगता है। एसी के नीचे आ जाए तब तक, आ जाए फिर वो बैठ जाएगा जिसम में पसीना। अब उम्र भी हो गई है ना, उम्र हो गई है, जवाने भी। अबे तुम्हें नहीं देखा है मैंने उस्ताद, फिल्मों में देखा होगा। तुम कौन से लागे हो? नानवा के ये बैठा हो रहा होगा। एक नंबर, दो नंबर, दो नंबर, पटरी चौक। फिर आपके साथ उमेर भाई को देखा होगा मैंने। चलो भाई अब क्या है, चलो बस अभी सेटअप कर रहे हैं, फिर शुरू करते हैं इंशाल्लाह। मजेदार सा पॉडकास्ट आपको देने वाले हैं आज। जन्नात के बारे में भी कुछ बताएंगे आज। अभी हम खुद जिन अच्छा इंसान जिन से ज्यादा बड़ा जिन है भाई, इंसान अगर अपनी उस पे आ जाए ना तो 150-200 आदमी एक साथ मार देता है। नहीं यार, जिन नहीं मारता, ये तो इंसान बातों से मार देता। बातों से नहीं मारता, आपके सामने जब अपना ये देखो मेरी बात सुनो, एक दरिंदा जब छापे से बाहर होता है जैसे शेर है, वो कितने आदमी मार सकता है? 2-3 भागे गए तो। लेकिन जब इंसान अपना प्लान करके मारता है ना तो फिर वो हजारों आदमी मार देता है एक आदमी। तो ये मैसेज है भाई, इंसान को इंसान ही रहने दिया जाए,
उसको ना छेड़ा जाए। जबरदस्त हो गया। बाकी बहुत सारे मैसेजेस अदनान भाई से पॉडकास्ट में लूंगा, अगर तुम्हें सब कुछ मैंने यही सुना दिया तो तुम लोग बहुत तेज हो, तुम लोग फिर पॉडकास्ट नहीं देखोगे। पॉडकास्ट बहुत मजे का होने वाला है। अदनान भाई आज एक अलग ही मुझे जोन में फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो अदनान भाई इनसे कहें आप जरा अपने अंदाज में, प्यारे से खूबसूरत से अंदाज में, के पॉडकास्ट पूरा देखना भाई जान, पॉडकास्ट पूरा देखना, अपने रोक के पानी वानी पीने चले जाना, क्योंकि तुम लोग प्यासे हो, बर्गर हो, और जनाब यारी आपको पिज्जा भी खाना होता है और फ्रेंच फ्राइज भी लिपटाने होते हैं, और लड़ना भी होता है बहन भाइयों का आपस में, कोई कैशअप पे लड़ रहा है, कोई माइनस पे लड़ रहा है, तो लड़ो मत, जो नसीब में उतना ही खा के मरोगे। आराम से खाओ और पूरी पॉडकास्ट देखो, ये हमारा मैसेज है। अब हम शुरू करने वाले पॉडकास्ट, एसी थोड़ा बढ़ा दो, 16 पे कर दो, डन हो गया भाई। एसी बढ़ाते हैं, 16 पे करते हैं, सेटअप वेटअप इज ऑलमोस्ट रेडी, एक हमारे बंदे का वेट है, मैं वो जैसे ही पहुंच रहा है, लेकिन हम उससे पहले ही स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह, और वो भी तब तक आ जाएगा। तो बाकी पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं, मजेदार सा एपिसोड करते हैं, और उसके बाद बाकी फर्दर क्या है वो मैं तुम लोगों को आहिस्ता आहिस्ता व्लॉग में बता दूंगा। मैं अदनान भाई से पूछ रहा था, मेरा हाथ देख के बता दें शादी कब होगी। भाई जान आपकी शादी जो होगी ना, आप जाएंगे किसी और की शादी में, और दूल्हा भागेगा तुम्हें बिठाएंगे समझे ना, तो तुम पली पलाई जाओगे, सारा सेटअप हुआ हुआ होगा, जाओगे तुम किसी और के चावल खाने, और अब दुल्हन घर ले आओगे, अम्मी हैरान हो जाएंगी, तू गया तो शाहिद भाई की शादी में ना, बोलना दूल्हा भाग गया, दुल्हन ले आया। ये मेरा हाथ देख के बताया आप, बेहतरीन आएगी, इतनी ओबीडियंटली आएगी, जो आप एंड में एप्लीकेशन में लिखते थे ना ओबीडियंटली, एक मैडम को उसका होता है वफादार, तो बड़ी वफादार होगी, और तुम्हारा ये उंगली जो है उससे बड़ी अंगूठे से, जिसकी अंगूठे से आगे निकल रही होगी ना उंगली, तो वो उसकी बीवी उसका कहना मानती है। अबे तो अब खींच खींच के नहीं निकाल भाई, यार भाई खींच खींच के निकाल लो, नहीं नहीं अरे खींच के, मेरी तो बराबर है कि वो बेगम जो है ना मेरी बिल्कुल बराबर की टक्कर की चलती है। अच्छा। आगे नहीं पीछे नहीं, हम दोनों एक दूसरे के बराबर है। जबरदस्त हो गया पॉडकास्ट, बहुत मजे का चल रहा है। चलते हुए पॉडकास्ट में रुक के ये शॉर्ट इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुम लोगों को अंदाजा हो जाएगा पॉडकास्ट कितने मजे का हुआ। बाकी पॉडकास्ट स्टार्ट करें, कैमरे शैमरे ओके हैं, रेडी हैं, क्यू पे माइक पकड़ते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। चलो अच्छा भाई, पॉडकास्ट खत्म हो गई है, मैं जरा अपने गेस्ट को ड्रॉप कर रहा हूँ, चले सर आ जाए, जाते जाते यहाँ से, यहाँ से उम्र हो गई है ना अब रास्ता, मैं सर मैं आपका खादिम खादिम सर, ठीक आ जाए। अदनान भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, हमें आप जैसी शख्सियात की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच, खुश रहे, सलामत रहे, गाँव में याद रखिएगा, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई अदनान भाई तो जा चुके हैं, अदनान अंकल तो जा चुके हैं, अब हमारा अगला जो गेस्ट है वो है हमारे अली साहब। अली भाई को कॉल करते हैं, पूछते हैं कि अली भाई आप कितनी देर तक पहुँचेंगे, तो फिर ही पता चलेगा कि अगला अब क्या सीन है भाई। भाईजान एक मिनट पर्सनल टॉक्स, जरा एक मिनट रोकिएगा, व्लॉग इस चल रहा, मुझे ये बताना कि अली को कॉल करूं, माइक शाइक चार्ज पे करूं, कॉल कर लूं ना, हाँ उससे कंफर्म कर लूंगा कब तक आएगा, ताकि फिर हम नेक्स्ट जो है इसको करें स्टार्ट। तो ये है भाई मेहनत, ये है एफर्ट, अभी एक पॉडकास्ट खत्म हुआ है, अब दूसरे पॉडकास्ट की प्रेपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, और अब मैं अली को कॉल कर रहा हूँ, हो रही है, यस हो जाएगी इंशाल्लाह, अली रिंगिंग पे है, अली को कॉल करते हैं, देखते हैं बस वो कॉल उठा ले। हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है, कितनी देर तक पहुंच रहे हैं, आ जाए सर, आई एम वेटिंग फॉर यू, 20 मिनट्स, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया, आ जाए बिस्मिल्लाह, आ जाए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। लो भाई अली इज कमिंग, अब ये जो थोड़े से माइक शाइक हैं, थोड़े से क्या दो माइक हैं, वो चार्ज वार्ज करते हैं, उसके बाद सेटअप वेटअप अगला अगेन करते हैं, थोड़ा सा फेस फ्रेश करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, होंठ मोट खुश्क हो चुके हैं, तुम लोग देख रहे होगे, बट आई डोंट केयर, क्योंकि जिस दिन ये सब कुछ अच्छा होगा ऑटोमेटिकली उसी दिन तुम लोगों को अच्छा होकर नजर आ जाएगा, तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ती है कुछ बहुत ज्यादा बना सवार के दिखाने की। वेल अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट कर लूँ, पानी वानी पी लूँ, फिर अगला गेस्ट आता तो फिर उससे मुलाकात करवाता हूँ, ठहरो। अच्छा तो अब तुम लोग पूछोगे कि भाई ऐसे भाग क्यों रहे हो सुहेब भाई, तो ऐसे भाग इसलिए रहे हैं कि हमारे दूसरे गेस्ट साहब जो हैं वो आ चुके हैं, तो हमने जाना है उनको रिसीव करने। Here's the boy! आ गए भाई, आ गए अली, आ गए।
अस्सलामुअलैकुम। अली भाई कैसे हैं? बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, इतने मोहब्बत वाले हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत से पहुंच गए? सुकून से। आ जाए। अभी अभी एक पॉडकास्ट करके फ्री हुए। अच्छा, हाँ। एनर्जी लेवल अच्छा है क्योंकि आप पॉजिटिव आदमी है भाई। ट्रस्ट मी, कल से स्केड्यूल थोड़ा बिजी था, मैंने कहा आज ही अगर जाना ही है तो फिर कल भी। हाँ हाँ, जबरदस्त है। आ जाए, दुश्वारी तो नहीं हुई रास्ता ढूंढने में? नहीं, ये हमारे ऐसा नहीं है। आ जाए। अरे आ जाए अंदर आ जाए। बैठ जाए भाई, आराम से पहुंच गए। मसला तो नहीं हुआ? नहीं, क्या मसला होने यार, रास्ता तो नहीं भटके? अच्छा, करीब थे ना इसीलिए आ गए जल्दी जल्दी। जबरदस्त हो गया, वेरी गुड हो गया। अच्छा, क्या चलेगा? चाय पानी? चाय जरूरी। चाय मंगवाते हैं और पानी तो पियोगे? पानी पिलाते हैं आपको पहले, और अभी पानी शानी पीते हैं और ये सेटअप वेटअप स्टार्ट करके फिर मैं तुम लोगों से बात करता हूँ, अगर मुझे 2 मिनट देना बस। अच्छा तो भाई, पॉडकास्ट जो है वो खत्म हो चुकी है। बैठ बैठ के हालत बुरी हो चुकी है, थक गए हैं। मैं कसम से तुम्हें अपनी टोन दिखाऊं ना तुम लोग हैरान हो जाओगे, बहुत पेट निकल आया है बाहर का खाना खा के। वेल सीन इज के भाईजान जो है हमारे सो चुके हैं। हेलो भाईजान, होश करें, हमें इतनी लंबी पॉडकास्ट कौन करता है भाई, चाहने वालों के लिए करनी पड़ती है, आपके चाहने वाले ही इतने हैं, हम क्या कर सकते हैं। बस ये देखें पॉडकास्ट, सुने। हाँ हाँ, इसमें बहुत जरूरी बात है। शहीर का एक राज इस बंदे ने दे दिया भाई। राज नहीं दिया, पॉडकास्ट में देख लेना, डालना भी नहीं। नहीं, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ हंसा रहा था और एक चुटकुला मार रहा था। वेल सीन इज के अभी पॉडकास्ट जो है वो खत्म हो चुकी है और हमारे पास आज अली हमारा गेस्ट है। अली मेरी जान एक ही दिन में बन गया। आई डोंट नो कि इस बंदे से इतनी पॉजिटिव वाइब्स क्यों आ रही हैं। आई डोंट नो कि इससे मिलकर ये क्यों लग रहा है कि हम लोग बहुत पहले से मिल रहे हैं। सीरियसली मैं सच बता रहा हूँ, सही है। सो सीन इज के भाई अपने होने का फ़ायदा दो और एक प्यारा सा कलाम पढ़ते हैं दोनों भाई। चलो, क्या पढ़ते? जानम पढ़ते हैं यार। जानम से लाया है यही आपका मोस्ट वायरल है। जानम फिदाए हैदरी याली अली अली, सुबह से शाम तक हर पहर हर घड़ी, लब पे अपने रहे नारे हैदरी, यानी खैबर शिकन यानी मुश्किल कुशा, बाद यज़दा की है दूसरा आसरा, मैं मुसीबत में अब क्यों परेशान रहूं, गम के मारो का है तू सहारा। अली अली मौला अली, रमजे मकाये हाशमी या अली अली अली, जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद, बेशक शेरे खुदा नहीं है अली मुर्तजा के बाद, ऐसी पड़ी हुसैन ने तीरों की छांव में, वैसी नमाज फिर न हुई करबला के बाद, जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली। देखो गाइस, गूज बम्प्स, इधर आओ ये देखो ये देख लो, जिक्र इतना बड़ा भाई, आपको पता है, कसम खुदा की लोग मुझे कमेंट्स करते हैं और टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद फील होता है। क्या बात, ये बात है। मैंने ना एक बार एक दोस्त का कलाम पढ़ा, सुना
मेरे दोस्त के अब्बू आ गए थे अंदर से ड्राइंग रूम से और आके हैरान हो गए थे, कौन पढ़ रहा था? अंकल मैंने पढ़ा, पहले तो कभी इतना अच्छा कुछ नहीं कहा पढ़ा तूने, अंकल जिनका था उन्होंने पढ़वा दिया, हमारा क्या कमाल है। वो था अली अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली हजार जाने गिरामी फिदाए नाम अली हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यजदानम कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है शाह मर्दाने अली शाह मर्दाने अली शेर यज़दाने अली लजपाल अली लजपाल अली शाह मर्दाने अली कब किसी बेनवा से कहता हूँ बात शेरे खुदा से कहता हूँ सबके हाजत रवा से कहता हूँ दूर हो जा नजर से ए मुश्किल दूर हो जा नजर से ए मुश्किल वरना मुश्किल कुशा से कहता हूँ क्योंकि वो है मेरे अली मौला अली अली मौला अली अली मौला अली अली मौला शाह मर्दाने अली लाफताइल्ला अली शेर यज़दाने अली 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 मौला 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 अली अली बस तलाश न कुछ मुसअते नजर से मिला निशान मंजिल मकसूद राह बर से मिला अली मिले तो मिले खाने खुदा से हमें खुदा को ढूंढा तो वो भी अली के घर से मिला अली 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 मौला अली 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 मौला अली अली। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि इतनी सी बात कहूं या अली कितना प्यारा नाम आपका एक निगाह करूं हो खुदारा मुश्किलों में गिरफ्तार हूँ याली अपनी रहमत का कर दो इशारा याली कितना प्यारा है नाम आपका। अपने मौला को उस जमाने के दुख पता मैं कैसे सुना पता है ऐसे टूट जाता मैं और तोड़ देते मुझे अपने सब पराए छोड़ देते मुझे अपने सब पराए छोड़ देते मुझे सर बुलंद तूने ऐसा किया है मुझे सर बुलंद तूने ऐसा किया है मुझे मुझको ऐसा दिया है सहारा मुश्किलों में गिरफ्तार हूँ या अली अपनी रहमत का कर दो इशारा। अब मैटर नहीं करती कितनी लंबी ड्यूरेशन जाती है बाखुदा सारी रात छेड़ दो ये जिक्र ओए ओए ओए
क्या बात, और हो जाए एक आधा कुछ भी है सदका है दरी है फलक से जमीन तक अली 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 है। क्या बात है भाई, वाह तेरी बनाते हम दोनों यार, वाह सुसु कर लो लाओ। हाय 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 भाई, जिक्र अली हो और रुक जाए थम जाए, मूड ही नहीं होता, दिल नहीं चाहता है कि इस जिक्र को यार, बस अलग कैफियत है यार, बस समझने वाले समझ सकते हैं, ये मार्फत की बातें होती हैं, इन बातों में क्या कौन किसी को क्या समझा ही सकता है। बाकी आज का व्लॉग फिर इतना ही था, बहुत मजा आया, बहुत 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 ज्यादा मजा आया माशाल्लाह, और पूरा दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक था, बहुत ज्यादा बिजी रूटीन थी, और दो दो पॉडकास्ट आज सेम डे पे हो गई और माशाल्लाह से अच्छी हो गई। बाकी अपनी दुआओं में याद रखो और इसी अपनेपन के साथ के जवान के बच्चों इस जवान आर्मी को ज्वाइन करो जल्द से जल्द। और ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पॉडकास्ट द फनजिला, जाओ चैनल पे द फनजिला पे और दिखा दो अपना प्यार, जाके कर दो सब्सक्राइब उसको, और अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, आज का व्लॉग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एंड, टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज़।